दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक 11 साल पुराने सोलर पैनल के बारे में। अभी इस टाइम अगर आपको कहीं पर भी ये सोलर पैनल मिले तो आप उसको मत छोड़ना। कितने का है, क्या प्राइस है, सारी बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जो और बहुत सारी वीडियोस आएँ वो आप लोगों से ना छूटे। हमारे पास ये दोस्तों देख सकते हो ये सोलर पैनल है, और इसमें एक फॉल्ट ये हो गया कि इसके डाईबोर्ड जो होते वो किसी कारण इसके डाईबोर्ड उड़ गए। तो ये संभलने के लिए आई, तो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाया जाए, ताकि अगर उनके पास ये पैनल है तो उसकी अहमियत समझे। तो सारी बातें बताने वाले, तो इस वीडियो को देखते रहिए। और दूसरी बात, अभी करंट के टाइम में ये पैनल बहुत मुश्किल से मिल रहा है, ठीक है। टाटा बीपी सोलर, पहले टाटा बीपी सोलर के नाम से आता था, फिर टाटा पावर सोलर के नाम से आने लगा। ये पैनल जो है वो टाटा बीपी सोलर के नाम से है, और इसका जो वाट है वो 60 वाट का है। तो दिखा देते हैं बैक कैमरे से, सारी बातें बताने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अभी इस समय कौन सा पैनल सबसे अच्छा है, मोनोपर्क पैनल किस कंपनी का, वो भी बातें बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते देखते रहिए आप लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको अपनी शॉप दिखा देता हूँ। आप सभी लोगों को पता है जो भी नॉलेज होती है मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मदार पर देता रहता हूँ, ठीक है। टेक्निकल मदार पे लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं आप सभी लोग प्यार एंड सपोर्ट की वजह से। ये जो है वो मदार बैटरी एंड मदार बैटरी पुरमपुर के नाम से चैनल है। तो दोस्तों हम इसको आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसको खड़ा कर लेता हूं, ठीक है। और इसके बराबर में दोस्तों थोड़ा सा हम अपना 110 वाट का अलग कंपनी का रख लेते हैं। दोस्तों ये प्लाजा सोलर है, और इसको हम जो है ये 2022 मॉडल है, इसको हमने रख लिया है, ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है वो 2022 है, ठीक है। इसकी 2022 है, ठीक है। और ये वाले की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग आराम से देख सकते हो, ईयर ऑफ मेक 2011, ठीक है। तो लगभग इसे 12-13 साल होने जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाटा बीपी सोलर। टाटा बीपी सोलर जो है, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि कुछ लोग करते ही इसे लगभग आज मेरे हिसाब से 12 साल होने जा रही हैं, और गारंटी जो उस समय आती थी वो 15 साल की आती थी, 15 साल की वारंटी। तो दोस्तों अभी भी इसका करंट जो है वो बरकरार है, 4 पॉइंट कुछ एम्पियर, 60 वाट का पैनल है, 3.5 एम्पियर से 4 एम्पियर आराम से इसका करंट अभी भी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर कहीं से भी अगर आप पैनल लेना चाहते हो तो एक लोकल कंपनी का पैनल कभी मत लेना जिसकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ईयर नहीं है, कोई वारंटी कार्ड नहीं है, तो इस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जैसे कि ये प्लाजा है, अच्छी कंपनी का है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, रेडिक्स है, और यहाँ पर दोस्तों इसके पीछे जो है ये ईस्टमैन का मोनोपर्क पैनल, सोलर पैनल 200 वाट का है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो 200 वाट का मोनोपर्क पैनल, इसकी कीमत 7200 रुपये है 200 वाट पैनल की, ठीक है। और हमारे पास ईस्टमैन का है 335 वाट का है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ईस्टमैन 335 वाट 24 वोल्ट में है। तो 12 वोल्ट का अगर पैनल लेना चाहते हो तो एक अच्छी कंपनी का खरीदें, जैसे कि लुमिनस है, मसीमो है, टाटा है, लिफास्ट है, लीडर है, बहुत सारी कंपनियां आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर हम इसके साइज की बात करें, अब कुछ लोग कहते हैं कि एक पैनल बड़ा है एक छोटा है, पहली बात तो आप लाइटिंग देख सकते हो, शाइनिंग क्वालिटी देख सकते हो, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ वो नहीं कहना चाहता। साइज़ की अगर बात करें तो ये जो वाइट वाइट होता है ये स्पेस होता है, इसका कोई भी मायना नहीं होता। जो चार्जिंग का सेल होता है वो ये होता है, तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है बीच बीच, ठीक है, बहुत कम स्पेस है, इसलिए इसमें जो है वो पावर ज़्यादा बढ़ गया, ये 110 वाट का हो गया। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो 110 वाट। तो साइज़ के ऊपर मत जाना, पावर देखना, क्वालिटी देखना, कंपनी देखना और ले लेना। इसकी कीमत आज की 3500 रुपये है। और ये वाला अगर हम बताएं तो इसकी बैक साइड में हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है टाटा बीपी सोलर, ठीक है। यहाँ पर रेटिंग वगैरह भी सब मिट चुका है मेरे हिसाब से तो, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, बाकी कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर कौन सी बनाऊं, ताकि मुझे टॉपिक मिल सके और आपको जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।